अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। फ्रेंड, एफसी मोबाइल का जो न्यू अपडेट आया है तो इसमें कुछ चेंजेस हुई हैं, यानी कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो चेंज हुआ है ना, वो इसमें ये हुआ है कि आप इसमें जो है ना अपना यूज़र नेम को चेंज करते हैं। ये सबको एक जो है ना रीनेम कार्ड मिला है, तो इससे आप एक ही बार यानी कि अपने नेम को तब्दील कर सकते हैं। ये आज सबको मिला है रीनेम कार्ड, तो इससे जो है ना आप अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एफ सी मोबाइल में जो है ना अपना नेम को आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जो है ना आप यूज़र नेम को चेंज कर सकते हो। फिलहाल तो ये एक मिला है, हो सकता है कि ये हम खेलें तो हमें आगे और भी रीनेम कार्ड मिले। तो यानी कि पहली अपडेट तो ये है कि इससे हम यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। और दूसरी अपडेट ये है कि इसमें अभी फ़ीमेल कमेंट्री आ गई है। पहले एक ही इंग्लिश की कमेंट्री थी, लेकिन अभी इंग्लिश की दो कमेंट्रीज हैं। ये दूसरी सेकंड कमेंट्री जो है ना आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो है ना फीमेल वॉइस में जो है ना कमेंट्री आ गई एफसी मोबाइल में, तो आप इसे डाउनलोड कर लें और फिर फीमेल की यानी कि कमेंट्री होगी। दूसरी अपडेट तो ये है कि यानी कि फ़ीमेल की आवाज़ में भी कमेंट्री आ गई है, और यानी कि ये कोई 184 MB की है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने तो इसे डाउनलोड किया हुआ है, करूँगा बाद में करूँगा मैं इसे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट अपडेट जो है ना एफसी मोबाइल का ये है कि नेक्स्ट अपडेट ये है कि इस पर कुछ न्यू खेलने के लिए एक न्यू इवेंट आया है एफसी मोबाइल में। पहले तो सिर्फ यानी कि किकाफा होता था, डिवीजन राइवल होता था, आइकॉन क्रॉनिकल जर्नी था, तो चैलेंज मोड था। तो अभी जो है ना ला लीगा का एक न्यू इवेंट ऐड किया है, यानी कि इसको आप यानी कि खेल के इंजॉय कर सकते हो। ये ला लीगा का एक न्यू इवेंट अभी ईए वालों ने इसमें ऐड किया है, तो आप इसको खेल के एंजॉय कर सकते हो। और चलते हैं इसके चौथे अपडेट की तरफ। चौथा अपडेट इसका ये है कि अब इसकी एआई की जो मैचेस हैं ना वो काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, इनको जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो मज़ा आएगा क्योंकि इनकी डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ गई है, तो अभी एआई के मैचेस जो है ना थोड़े से मुश्किल होंगे। चौथी अपडेट तो इनकी ये है, बड़ी अपडेट, यानी कि पहले तो एआई के मैचेस बड़े ईजी होते थे, लेकिन अभी जो है ना एआई के मैचेस बड़े ही मुश्किल हो गए हैं। यानी उनके आप बड़ी मुश्किल से जीत तो जाओगे, लेकिन जीतोगे बड़ी मुश्किल से। और पांचवी अपडेट इसमें ये आई है कि इसमें अभी एक न्यू उन्होंने फीचर ऐड किया कि इनमें से आप जो है ना ट्रेडेबल और अनट्रेडेबल प्लेयर को यानी कि अलग अलग कर सकते हो। यानी कि इस पर क्लिक करोगे तो सारे ट्रेडेबल प्लेयर शो हों, और साथ वाले पे क्लिक करोगे तो जो है ना सारे जो है ना अनट्रेडेबल प्लेयर शो होंगे। पहले तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने जो है ना एक न्यू फीचर इसमें ऐड किया है, यानी कि इसमें आपको सारे अलग अलग भी मिल सकेंगे। इससे आपको एक्सचेंज करने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक्सचेंज करने में पता नहीं चलता था कौन सा ट्रेडेबल है और कौन सा अनट्रेडेबल है। तो ये वाला एक फीचर ऐड किया इन्होंने, ट्रेडेबल और अनट्रेडेबल वाला, ये एक न्यू फीचर ऐड किया है। और इसमें एक और अपडेट ये आया कि इसमें आज इन्होंने पहली बार जो है ना एक रैंकड अप प्लेयर को ऐड किया। ये जो सेंटर बैक है ना, तो इसको रैंकड अप यानी कि इन्होंने ऐड किया, यानी कि पहले इसमें रैंकड अप प्लेयर नहीं आते थे, तो इन्होंने जो है ना ये प्लेयर जो है ना रैंकड अप इसमें ऐड किया, यानी कि आप इसको एक्सचेंज में से क्लेम कर सकते हो। एक्सचेंज में ये न्यू उन्होंने अपडेट दिया है कि एक रैंकड अप प्लेयर को दिया है। तो चलो दोस्तों, यही थी वीडियो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आप सब दोस्तों का वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और आपको दिखाता हूँ कि ईए वालों की तरफ से नेक्स्ट अपडेट जो कौन सा है। एक तो ये न्यू इवेंट आया एनिवर्सरी का, जैसे कि आप सबको पता है कि ये न्यू इवेंट आई एनिवर्सरी का, बहुत ही मजे का इवेंट है यार। इसमें बहुत से काफ़ी प्लेयर्स मिल रहे हैं अच्छे अच्छे, फ्री में बहुत सारे प्लेयर मिले थे। और एक ये न्यू अपडेट आया है, पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि मैंने अभी देखा ये 4K gems वाला जो ट्रेडेबल का प्लेयर मिल रहा है, यानी कि ये जो 4K gems वाला एक न्यू इन्होंने ऐड किया है पैक। 4K gems से जो है ना आपको एक ट्रेडेबल प्लेयर मिलेगा, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा सा प्लेयर मिलेगा, वरना जो है ना वही जो होता है आम वाला प्लेयर मिलेगा। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे तो पहले पता नहीं था, मैंने पहली बार देखा तो इसलिए मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता चलूँ कि ये 4K gems वाला जो है ना एक न्यू पैक आया है। और फ्रेंड्स, ये जो है ना ये जो न्यू अपडेट आया ना, तो इसमें यार कुछ क्लब्स के नेम्स और लोगोस चेंज हो गए हैं यार। तो पता नहीं ये मेरे साथ हुई, आप सबके साथ भी। मैं जो है ना पहले लिवरपूल का लोगो और लिवरपूल का नेम तो है, लेकिन इसका लोगो चेंज हो गया है। तो पता नहीं और के जो थे ना, तो
तो उनके टीम्स के लोगो चेंज हुए या नहीं हुआ? लिवरपूल का तो लोगो जो है ना चेंज हो गया, तो अभी आप भी देखें और बताएं कि कौन से क्लब का लोगो चेंज हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों का वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया कि आप सब दोस्तों ने मेरी एंड तक वीडियो वॉच की। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखें।